हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे साइट के साइट इंजीनियर मिलन भाई है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको ये बताएंगे अबाउट अडानी कुकिंग गैस के रिगार्डिंग। ये अडानी की लाइन जा रही है कुकिंग गैस के लिए। इसको हम लोग हिडन नहीं कर सकते क्योंकि इनके नॉर्म्स के हिसाब से इसको ओपन ही रखना पड़ता है। अगर आगे जाके कुछ मेंटेनेंस और कुछ अगर आए तो उसको ये लोग इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको हाइट नहीं कर सकते, इसको ऐसा ओपन ही रख सकते। इसके ऊपर जो पीला कलर आपको दिख रहा है उसको चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पीला कलर थोड़ा दूर से दिखता है तो ये इसको छुपा नहीं सकते। ओके, तो मिलन भाई अब इंटीरियर का किचन के अंदर इसके क्या रेगुलेशन है वो भी आप इन्फॉर्मेशन हमें बता दें। इसका ये किचन 3 BHK का फ्लैट है और ये किचन है इसका फ्रेंड्स। और ये गैस की लाइन जो जा रही है बाहर से राइजर बोलते हैं, राइजर के बाद ये लाइन यहाँ से अंदर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ये मीटर लगता है। ओके, मीटर के बाद ये लाइन हमारी यहाँ अंदर प्लेटफॉर्म साइड जा रही है किचन के। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से ऊपर से भी ले सकते हो या नीचे से भी, किस तरह से आपको फर्नीचर में उसमें कहीं दिक्कत ना आए उस हिसाब से अपने इसको यहाँ तक ले सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको इजी लगा, हमने यहाँ से लिया है। ओके, तो इसको इंटीरियर में हिडन कर सकते हिडन नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी है कि यहाँ से इनका ये बाहर का राइजर लग रहा है वहाँ से 5 मीटर तक ये लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं पाइपलाइन। उसका कोई चार्ज नहीं होता अगर 5 मीटर से अगर ज्यादा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पाइप का उनका लगता है। ओके, ठीक है। तो अगर हिडन अगर कोई मेंबर कर देता उसको पता नहीं होता तो पेनल्टी कुछ वो देना पड़ता है। मीटर चेक करने आते हैं उसके बाद उन लोगों को नोटिस देते हैं या फिर पेनल्टी उनको भरनी पड़ती है जो भी उनकी अदाने के अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टी होती है। ओके, वो भरनी पड़ती है। ठीक है मिलन भाई, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये थी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अडानी कुकिंग गैस के रिगार्डिंग।